एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जो मुंबई की काफी फेमस फूड है और वो है पाव भाजी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए पाव, बटर, ऑयल, लेमन जूस 2 टीस्पून, ग्रीन पीस 50 ग्राम, 1 मीडियम फाइनली चॉप्ड अनियंस, 2 मीडियम साइज चॉप्ड टमाटोज, 2 मीडियम साइज पोटैटोज, 1 फाइनली चॉप्ड मीडियम साइज कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर 150 ग्राम, पाव भाजी मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में सारे वेजिटेबल्स को कुक करेंगे। इसमें हम डालेंगे कॉलीफ्लावर, पोटैटोस एंड ग्रीन पीस। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। एक बार इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और कुकर की जो लिड है इसे बंद करके इसे हम हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। 2 सीटी लगने के बाद हमारा जो वेजिटेबल है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल के इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स को काफ़ी अच्छे से मैश करने हैं और इसकी एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेनी है। वेजिटेबल बॉईल करने वक्त जो हमने पानी यूज़ किए थे उसे हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसके साथ ही हम उसे मैश करेंगे। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा है तो उसे थोड़ा सा निकाल लें और जब भाजी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो उसे हम एंड में उसमें यूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे जो वेजिटेबल है वो अच्छे से मैश हो गए हैं। तो चलिए अब मसाले रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। आप यहाँ पे ऑयल नहीं भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किए हैं। फिर इसमें हम डालेंगे बटर और जब हल्की सी बटर और ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे अपने चॉप्ड किए हुए अनियंस। फिर 1 मिनट के लिए हमें इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट ताकि हमारा जो अनियन है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि पाव भाजी के लिए हमें अनियन को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, हमें उसे कुक करके बस सॉफ्ट करने हैं और बस वो हल्का सा फ्राई हो जाए। यहाँ पे हम अनियन को 5-6 मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई करते हुए उसे सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने कटे हुए कैप्सिकम्स और इसे भी हम 5-6 मिनट के लिए अनियन के साथ इसी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि ये भी हमारा जो कैप्सिकम है वो भी सॉफ्ट हो जाए। और 6-7 मिनट में हमारे जो कैप्सिकम है वो भी अच्छे से फ्राई होके सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे अपने चॉप्ड किए हुए टमाटोज और इसे भी हम सॉफ्ट होने तक 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब टमाटो सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद हम एक मैशर की हेल्प से इसे भी थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि हमारे जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं वो भी मैश हो जाए। अब हमारे टमाटोज, अनियन और कैप्सिकम के जो मसाले हैं वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने सारे मसाले। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप यहाँ पे रेड चिली का थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद हो तो, और अगर थोड़ा कम तीखा पसंद हो तो इसे थोड़ा सा कम कर लें। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और ऐड करेंगे 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। फिर इन सबको मिक्स करते हुए हमें मसालों को 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करने हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और बटर ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो सके।
पाँच से छः मिनट में हमारे जो मसाले हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं उसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे अपने मैश्ड किए हुए वेजिटेबल्स और इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फिर से कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट में हमारी जो भाजी है वो कुक होकर अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। तो अब इसमें हम थोड़े से पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। आपको जितनी भी गाढ़ी या पतली भाजी पसंद है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास पानी यूज़ किए हैं और फिर इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम लोगों ने क्योंकि पहले भी यूज़ किए हैं तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक यूज़ करें। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसे मिक्स करते हुए हम 1 मिनट के लिए इसे भी थोड़ा कुक कर लेंगे। और उसके बाद एंड में हम इसमें डालेंगे अपने चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स और एक बार इस तरीके से हम बस इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा जो भाजी है वो बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने लेमन जूस। 1 से 2 मिनट बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून लेमन जूस और इसे भी हम इस तरीके से बस एक बार मिक्स कर लेंगे और अब हमारा जो भाजी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सर्व करने के लिए रेडी है। उसके बाद हम अपने पाव को सेक लेंगे। पाव को सेकने के लिए हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर। फिर इसके बाद हम पाव को हल्का सेकने के लिए इस पैन में डालेंगे इस तरीके से और इसे बस हम 30 सेकेंड के लिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेंगे। एक तरफ सेक चुका है तो अब इसे हम पलटकर दूसरी तरफ भी 10 सेकेंड के लिए हल्का सा सेक लेंगे। हमारा जो पाव है अब वो रेडी हो चुका है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हमारे बाकी के जितने भी पाव हैं उसे भी इसी प्रोसेस से हम सेक लेंगे। ऐड करेंगे हम बटर, फिर अपने बाकी पाव को भी हम इस बटर में इस तरीके से सेक लेंगे। अब हमारा ये भी पाव अच्छे से सिक चुका है तो इसे भी हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा जो पाव भाजी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। भाजी को पाव के साथ, थोड़े से कटे हुए सैलेड के साथ और थोड़े से कटे हुए अनियन के साथ इसे इस तरीके से सर्व करें और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। भाजी के ऊपर इस तरीके से बटर डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो आप भी इसे डालना ना भूलें। अब ये पाव भाजी पूरी तरीके से सर्व करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड है ना ये कितनी आसान सी रेसिपी, तो आप भी इसे घर पे ट्राई करें और इन्जॉय करें। अब मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।